दोस्तों, आजकल चुनाव का माहौल खूब गरमाया हुआ है और धकाधक प्रचार हो रहा है। प्रचार का माहौल जहाँ देखो वहाँ सब जगह, कहीं पार्टी का प्रचार चल रहा है, कहीं उम्मीदवार का प्रचार चल रहा है, और मस्त हो रखे हैं सारे कार्यकर्ता प्रचार करने में, मस्त हो रखे हैं सारे उम्मीदवार प्रचार करवाने में। और भैया, पार्टी के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? कहाँ से गया आ गया इतना पैसा उम्मीदवार के पास कि पानी की तरह पैसे बहाए जा रहे हैं। अच्छा, वोट देते समय आपको एक बात जरूर ध्यान रखना, वोट देने से पहले इस वीडियो को सभी लोगों तक शेयर करना। जन जन की आवाज़ होनी चाहिए, जन जन तक ये शेयर करना है कि वोट किसे दें आप। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें, उससे पहले मैं आपको ये कह दूं कि जो ये उम्मीदवार हैं, ये जो पार्टियां हैं, इतने पैसे जो बाहर हैं ना, पहली बात तो ये कि इनका ये अपना पैसा नहीं है, इनकी कमाई का नहीं है ये। क्योंकि जब इंसान कमाता है ना, तो उसे 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये खर्च करने में कई बार सोचता है, लेकिन ये पार्टी इतने पैसे बाहर हैं। मैं भी हाल में गांव से होके आया हूँ और सारे जो गाड़ियाँ हैं वो चुनाव में गए हैं। अब मुझे जिस सफ़र, हम नॉर्मली जिस सफ़र को तय करने में 1000 से 2000 रुपये लगते हैं, वो सफ़र मेरा बिल्कुल फ्री में हो गया। क्यों भैया? प्रचार में जा रहे हैं, तो प्रचार के नाम से आपको खूब खाने को मिलेगा, खूब पीने को मिलेगा, और पैसे भी धकाधक। मुझे नेगी जी का वो गाना याद आया कि हाथ है ने हुस्की पिलाई, फूलन पिलाई रम, और ऐसे चुनाव में मजा ही मजा, दारू भी रुपये पे ठम ठम। यानी कि आपको खूब पिलाया जाएगा, पीने वालों को, खाने वालों को खूब खिलाया जा रहा है, और पैसे अंधाधुंध बहाए जा रहे हैं। आपको मात्र 2-3-4 घंटे आपको देने हैं, किसी रैली में जाना है, आपको 1000, 2000 से 5000 तक दिए जा रहे हैं। भैया, हैरान हो गया मैं जब मैं गांव गया, वहां का माहौल देखा, मतलब चौंक गया। ऐसा माहौल मैंने आज तक नहीं देखा चुनाव का। नौजवानों की बल्ले बल्ले हो रखी है। चलो, ये तो अच्छी बात है कि नौजवानों की बल्ले बल्ले होनी चाहिए, कहीं ना कहीं रोजगार मिल रहा है, लेकिन रोजगार कब तक है? अगर आपने थोड़ी सी नारेबाजी कर ली, बस एक बैनर पकड़ना है, झंडा पकड़ना है, और उस पार्टी के नाम की आवाज़ लगानी है, आपको खूब पैसे मिलेंगे भैया। 2-4-5 हज़ार रुपये मिल रहे हैं कुछ ही घंटों के। जहाँ मेहनत करके इंसान 200, 400, 500 कमाता है, वहाँ पर कुछ भी ना करने के इतने। आखिर ये जो पैसे दिए जा रहे हैं ना, पहले बात तो ये कि ये कौन सी पार्टी दे रही है, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये पैसे क्यों दिए जा रहे हैं, तो क्यों तो पता है आपको, कौन देता है ये पैसा जो है ना, कहीं ईमानदारी का नहीं है, ये पैसा मेहनत का नहीं है। जो बहाता है ना, कहीं ना कहीं उसके पास एक गंदे तरीके से आया हुआ पैसा होता है, हराम का पैसा होता है। तो भैया, जब हम मेहनत से कमाते हैं ना, तो हम सोचते हैं कोई भी पैसा खर्च करने में, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं सोचा जा रहा, अंधाधुंध बहाए जा रहे हैं। पहली बात तो है कि ईमानदारी का, मेहनत का पैसा नहीं है, बिल्कुल हराम का पैसा है, ठीक है। दूसरी बात भैया, अगर इस तरह पैसे बहाने के बाद अगर कोई पार्टी जीतती है, कोई उम्मीदवार जीतता है, तो क्या उम्मीद करें हम कि वो पार्टी, वो उम्मीदवार काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा भैया। उसने इतने पैसे लगाए हैं, जितने लगाए हैं उसका कई गुना वो कमाएगा, कई गुना वो कमाएगा, इसीलिए वो लगा रहा है। अच्छा, इतना तो वो तब लगा रहा है जब उसे श्योर नहीं हूं कि मैं जीतूंगा। तो जीतने के बाद वो क्या काम करेगा, मुझे समझ नहीं आया। दूसरी बात, तीसरी बात, ऐसा विधायक, ऐसा उम्मीदवार एक बार जीत जाता है, खूब कमाता है, जनता को चूसता है, उनका खूब खून चूसेगा, कुछ काम नहीं करेगा, कोई तरक्की नहीं होगी, कोई विकास नहीं होगा, और ये इतना अपना कमा लेता है, अपने चेले चपाटों के लिए रख जाता है, कि वो नेक्स्ट टाइम, उसे पता मैं जीतूंगा नहीं, तो वो नेक्स्ट टाइम आता ही नहीं है सत्ता में। भैया, एक ही बार इतना कमा लोगे तो नेक्स्ट टाइम आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। मैं आप लोगों को सचेत करना चाह रहा हूँ, किसी भी पार्टी में जाइए, आप रैली में जाइए बेधड़ेले से, कोई दिक्कत नहीं है, खूब खाइए, जो खिला रहा भाई खाओ, क्या दिक्कत है। भंडारा लग रहा तो यार, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या लेडीज क्या जेंट्स, क्या सारे लोग, जो आप पीने वालों को खूब पिलाया जा रहा, खूब इंजॉय कीजिए, पैसे लीजिए, खाइए पिए, इंजॉय करो, घूमो फिरो,
ये वाली पार्टी उसके साथ भी हो जाओ, उस वाली पार्टी हाँ जी तुम्हारी भी साथ है, उसके सबके साथ रहो आप। वोट उसी को देना जो पैसा न लगा रहा, जिससे आपको उम्मीद हो कि ये बंदा काम करेगा और इस बंदे के पास आपकी पहुंच है, ये बंदा जीतने के बाद इसने ये किया वो किया, जिसकी छवि अच्छी हो, जिसने अच्छा एक काम किया हो, जिसकी सोसाइटी में जान पहचान हो, इस तरह की एक अच्छी गुड इमेज हो, गुंडा मवाली इस तरह का आपने जिता दिया चंद पैसों के लालच में। भैया देखो, वोट ऐसी चीज़ है वो किसी को नहीं पता कि आपने किसे दिया, चुपचाप जिस सबसे पाए सबसे भाई खूब पैसा लो, क्या दिक्कत है भाई, दे रहे हैं तो यार लेने वाले की कोई गलती नहीं है, रोजगार मिल रहा हमें, बट आपको वोट उसी को देना है ना। एक तो जिसने सबसे कम पैसा लगाया, जिसने पैसा लगाया ही नहीं उसे आप वोट दो, क्योंकि वो जीतेगा तो वो काम करेगा क्योंकि उसने लगाया नहीं है, और जिसने लगाया है ना वो वसूलेगा, उसे वोट मत दो जिसने इतना पैसा लगाया। ये बात हर एक इंसान हर एक जन जन तक पहुंचाना है। फिलहाल जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ ये बात आपने ज़रूर याद रखना है कि पैसा खिलाने वाले पिलाने वाले को बिल्कुल भी आपने सपोर्ट नहीं करना है। हाँ आप मुंह से ज़रूर बताइए हम तुम्हारे साथ हैं, बट वोट आपको बिल्कुल भी ऐसे इंसान को नहीं देना, ये विकास नहीं करेंगे बल्कि विनाश करेंगे, चूसेंगे आपको, कोई मतलब कि हालत ख़राब पूरे स्टेट का पूरे देश का बंटाधार करने वाले ऐसे लोग हैं। तो यार आप लोगों से यही विनती है, बाकी क्या आपने देखा है, क्या आपको लगता है चुनाव का प्रचार का पैसों का ये जो चल रहा है दौर इसको देखकर कि, तो यार ज़रूर आप कमेंट कीजिए ज़रूर। लेकिन यार सच में मुझे बहुत ख़राब लगा, बहुत ख़राब, हालांकि मेरा काम हुआ, मुझे जहाँ जाना था मैं वहाँ पहुँच गया, और नॉर्मली मैं बुकिंग करता या नॉर्मली जाता तो मेरे पैसे लगते, लेकिन यहाँ पर मेरा कोई पैसा ही नहीं लगा, तो मेरे लिए तो अच्छा हो गया, मेरा फ्री था। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस फ्री के चक्कर में, इस छोटे से चंद से लालच के चक्कर में आपने अपने ज़मीर को नहीं बेचना है, अपने इंसानियत को नहीं बेचना है, अपने स्टेट को नहीं बेचना है, अपने देश को नहीं बेचना है, बल्कि ऐसे लोगों के छोले बिक जाएँ वो अच्छी बात है। तो यार चुनाव में आप जाइए आराम से, बैनर लगाइए, पैसे भी लीजिए, खाओ भी खूब पियो भी, लेकिन वोट देते टाइम आप ज़रूर ये याद रखना कि आपको वोट उस इंसान को उस उम्मीदवार को उस पार्टी को बिल्कुल भी नहीं देना है जो पैसा दे रहा हो, खूब जो पैसा लगा रहा हो, क्योंकि पैसे लगाने वाले ने जीतने के बाद सारा वसूलना है, और जितना उसने आपको दिया है ना उसका वो हिसाब ले लेगा आपसे। तो यार बस बाकी अपना सुझाव भी ज़रूर दीजिए, वीडियो को शेयर करें आप ज़्यादा से ज़्यादा, और इसी तरह से अपडेट लगातार आपके पास आती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके सपोर्ट कीजिए इस चैनल को भी। धन्यवाद।